एक टाइम था जब ऐसा बाहर घूम लेते फिर लेते तो लोग अपने को बोलते थे आवारा बोल के बोलते थे, अब एक ऐसा टाइम आ गया जब बाहर घूम रहे फिर रहे तो अपने को लोग व्लॉगर बोल रहे। बस हरकतें वही है, देखने का नजरिया बदल गया, रिश्ता वही, सोच नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप आप सब खैरियत से। मैं भी ए1 हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप लोग का टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे, मैं अनंतगिरी हिल्स जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ का सनराइज़ बहुत अच्छा है कहते भाई, तो मेरे को सनराइज़ देखने जाना था, वो मिस नहीं करना है मेरे को। तो मैं निकल गया, एक 25 किलोमीटर से आ भी गया, व्लॉग यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ। थोड़ा पीछे देखो, स्टार्ट कर बताता हूँ मैं आप लोगों को। और आँखों में बहुत नींद है मेरे, बहुत जल्दी निकला मैं, 3:30 बजे निकल गया था, और हारून नहीं है अपने साथ, मैं अकेला हूँ मेरे भाई के साथ। तो देखेंगे कैसा कैसा होता अपना ट्रिप। और मेरी ख्वाहिश थी भाई ऐसा कुछ बाइक पे मेरे को कुछ राइड करना था, मोटो व्लॉगिंग काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा, तो वो ख्वाहिश भी पूरी हो जा रही मेरी आज। तो अपन एक्सपीरियंस पूरा शेयर करता हूँ मैं, कैसा है क्या है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इट्स 3:30 इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ऐसा जबरदस्त तैयार होके निकलने का मजा ही चला है। का पहला राइड वीडियो होगा, तो अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर समझ में आया, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिप कर रहा हूँ कि अगर मेरे को कुछ कुछ समझ में आ गया कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो अंदर से ऐसी आवाज़ आ गई, हाँ एमके तुम ये चीज़ कर सकते बोले तो मैं क्या है ऐसी और व्लॉग्स करता हूँ, फोटो व्लॉगिंग काइंड ऑफ माइड भी आप लोग देखेंगे फ्यूचर में, तो ऐसी लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप जाऊँगा मैं बुलेट ट्रिप। आई ले पुलिस वालों का चेक पोस्ट दिख रहा मैं आ रहा था, बट नो इशूज, ये टाइम पे तो सब सो रहे होंगे, क्या बोलते। तो गाइस मैं अपने बाइक का पहले इंट्रो दे तो आपको, मेरे पास है बुलेट 350 क्लासिक। वैसे तो मेरे को स्पोर्ट्स बाइक का शौक है, लेकिन फिलवक्त तो मेरे पास यही छे, तो मैं समझा जो है अपन उसमें स्टार्ट करेंगे। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखा मैं, लोग बुलेट लेके अपने क्या लद्दाख चले गए, तो अपन यहाँ कह नहीं आ सकते। तो मेरे पास बुलेट है 350 क्लासिक 2019 की है, BS4 इंजन है इसका, और डुअल डिस्क है इसको, ABS सिस्टम है, और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें फ्यूल इंडिकेटर है जो तक पुराने बुलेट्स में नहीं था, इसमें है अपने को। तो अभी मेरे को फ्यूल भी डलाना है आगे जाके, बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं है, और स्पीड भी एकदम मॉडरेट स्पीड में जा रहा हूँ मैं, 60-80 स्पीड में, क्योंकि बिल्कुल रिस्क लेना नहीं है अपने को। अराउंड मेरे ख्याल से मैं 80 किलोमीटर से एक 1.5 आवर में कवर कर लेता हूँ। रोड भी एकदम ज़बरदस्त है, अब तक तो चलाने में बेहतरीन मज़ा आ रहा मेरे को। एंड वेदर के हिसाब से बोलूँ तो मैं वेदर देखिए, अभी तो 15 या 16 डिग्री चल रहा, मैं घर से निकल रहा तब देखा तो 16 था, तो जैकेट तो पहन लिया मैं, तो इसमें क्या है अपने को थोड़ा सेफ्टी है समझो, थोड़ा ज़्यादा सर्दी हो रही नहीं, लेकिन हाथा पूरे अकड़ जा रहे मेरे। तो अराउंड अभी हो रहे टाइम 4:30, मोस्ट प्रॉब्ली मैं रीच होऊंगा वहाँ पे 6 बजे तक, और 6 बजे सुबह सुबह मेरे को देखना है सनराइज, तो देखेंगे अपन आज इंशाल्लाह। आप लोग देखिए फुल मून, और यहां से उगता हुआ सूरज, अभी अपन जाकर देखेंगे। Where the hell is viewpoint, man? ये अपनी ऑफ रोडिंग स्टार्ट होते हुए, एंड अपना व्यू पॉइंट किधर है यारो,
point here. Oh my goodness. Oh, finally. So guys, finally we are at Anantagiri Hills viewpoint. अभी सनराइज हो रहा इधर से, तो अभी इतना क्लियर व्यू नहीं है, तो और एक उसके पास और एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे जाना है अपने को, तो वहाँ पे जाएंगे अपन अभी। तो गाइस ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, सनराइज हो रहा, फाइनली जो चीज़ के लिए आया था मैं वो चीज़ देख लिया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, आई कांट एक्सप्लेन, इतना बेहतरीन नज़ारा है। अनंतगिरी हिल्स आना है तो ज़्यादा दूर नहीं है, 80 किलोमीटर से हैदराबाद से, मोस्टली ये वीकेंड स्पॉट है भाई, यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वीकेंड मनाने के लिए आते हैं। और ये अनंतगिरी हिल्स व्यू पॉइंट बोल के जगह है, यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे तीन वेज रहते भाई, फर्स्ट राइट साइड, एक सेंटर वाला और एक लेफ्ट साइड। सबसे बेस्ट जो व्यू आ रहा ना, मैं यहाँ पर हूँ आते के साथ ही राइट साइड में रहता, सबसे बेस्ट व्यू वहीं हूँ मैं, वहाँ से बाकी तो पूरा झाड़ा वाड़ा है, आपको कुछ दिखता नहीं। तो ये देख सकते हैं अपना सनराइज होते हुए, वाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई। और व्यू पॉइंट पे सुबह सुबह हमारे भाई एक ज़बरदस्त यहाँ पे काइट फ्लाई कर रहे हैं, तो ये भाई की अपन काइट देखेंगे कहाँ तक जा रही। अरे रे 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 रे, बहुत ही ऊपर चले गए भाई, काइट दिख रही भी नहीं आ रहा, दिख गए या मेरे को तो दिख गए यहाँ पे। वाह भाई, सुबह सुबह सा फ्लाई करने का रीज़न भाई? कुछ भी नहीं, रीजन नहीं भाई, आई सी टाइम पास, अरे रे वेटिंग फॉर सनसेट। अच्छा सनराइज तो दिख रही ना आप लोगों को पतंग, अभी भाई इसको कट ऑफ करके छोड़ देने वाले हैं, तो लेट्स सी हाउ वी विल कट इट ऑफ। आ ले जा, चले गई। अभी अपन नीचे जाएंगे, नीचे जाकर देखेंगे कि वहाँ से भी कुछ अच्छा व्यू है, कहते हैं वो भी जाके देखेंगे अपन, देख के सीधा उसके बाद हैदराबाद के लिए निकल जाएंगे। तो गाइस अभी अपना ऊपर यहाँ पर थे, वहाँ से देख रहे थे हम लोग सनराइज, तो अभी हम लोग ये राइट साइड में व्यू पॉइंट है वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ क्रेजी व्यू है, कहते देखेंगे अपन जाके अभी। और ये हम लोग की ऑफ रोडिंग होते हुए, तो गाइस राइड तो बेहतरीन थी, ज़बरदस्त मज़ा आया मेरे को ऑफ रोडिंग करने में भी, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले ऑफ रोडिंग में, और पूरा हैदराबाद से यहाँ पे आने में एक ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ गया मेरे को, एक्सपीरियंस एकदम बेहतरीन था। तो अभी मैं प्लान करूँगा कुछ ऐसी नेक्स्ट ट्रिप, एक 200-300 किलोमीटर्स के अराउंड यहाँ पे लोकल में हैदराबाद से कहीं, तो देखेंगे अपन नेक्स्ट कैसा होता क्या होता। तो ये है हिल्स का परफेक्ट व्यू बोल सकते हैं आप लोग, क्रेजी व्यू आ रहा है यहाँ से एकदम। यहाँ पे सनराइज और ये अपने चारों तरफ हिल्स ही हिल्स,
सो गाइस इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई ये राइड करके सुबह सुबह यहाँ पे आके सब बड़ा सनराइज़ देखने में। अगर आप लोगों को भी देखना है तो सुबह सुबह आप लोग आ सकते आके देख सकते। मैं थोड़ा जल्दी निकल गया लेकिन आप लोग थोड़ा अराउंड 5 बजे के टाइम पर निकलो, मैं 3:30 बजे निकल गया था तो 5 बजे निकलो, आप लोग 7 बजे तक यहाँ पे आ जाते। बेहतरीन है, वीकेंड स्पॉट है, बहुत लोग यहाँ पे वीकेंड मनाने के लिए आते हैं लेकिन मैं यहाँ सनराइज़ देखने के लिए आया। सनराइज़ के लिए अभी अभी कुछ फेमस हुआ करते हैं तो अच्छा दिखा दो, बोल के मैं देखने के लिए आया। अगर आप लोगों को अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक करो। अगर मैं ऐसी और व्लॉग्स बनाना है तो कहाँ पर बनाऊँ, किधर जाऊँ, तो आप कमेंट में बोलो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स भाई, दिल से शुक्रिया सबका जो सब्सक्राइब करे, नहीं करे तो अभी भी जाके कर लो आप लोग। तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुश करते रहो, क्योंकि जीना इसी का नाम है।